नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं संदीप त्रिवेदी बहुत ही खुशगवार मौसम के बीच में, ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में रात के 10 बजे हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 309 लेकर के। आजकल इन दिनों रिकॉर्डिंग क्लब की जो कहानी है उसका पहला एपिसोड से लेकर के लगातार भेजने का सिलसिला भी शुरू किया है। नंबर 1 और नंबर 2 रिकॉर्डिंग क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी गई हैं और नंबर 3 और 4 कल सुबह भेजी जाएंगी। तो मुझे भी थोड़ा सा चीज़ों को दोबारा से रिवाइव करने में इजी रहता है। और आखिरकार तो वही है कि कई जगह मैं भी अटक जाता हूँ। तो जिन लोगों ने नहीं सुनी है कहानियाँ, कई साथी ऐसा कहते हैं कि भाई हमने शुरू से नहीं सुनी और ये वो जो भी है, तो आप लोगों के लिए भी एक अवसर है, आप लोग सुन सकते हैं। तो ये है, खैर अब कल आप सबसे मैंने कहा था एक प्रोजेक्ट शुरू करने का इरादा था। सीधे सीधे बिना भूमिका के बता देता हूँ, ये प्रोजेक्ट था पत्तल दोने बनाने का, जो कागज़ की प्लेट्स होती है ना। शहरों में बड़ा अच्छा मार्केट है, इसका बहुत काम भी चलता है। और मैं आज आपसे 2024 में 2020 की बात कर रहा हूँ। जो प्रोजेक्ट 2020 में हम शुरू करना चाहते थे, उसके बाद तो फिर कभी मौका ही नहीं मिला और हम कर भी नहीं पाए, और अब तो फ़िलहाल वो एजेंडे में है भी नहीं। लेकिन जब दाहोद में गए और दाहोद में देखा यूसुफी भाई कापड़िया सर के यहाँ, तो काफ़ी अच्छा लगा। और लगा कि जब वहाँ पर एक खुसैम नाम के एक साथी हैं, ब्लाइंड हैं, वो ऑपरेट कर रहे थे उन दिनों, अब मुझे नहीं पता कौन कर रहा है। तो ये देखा यार, जब एक ब्लाइंड व्यक्ति इस मशीन को ऑपरेट कर सकता है तो फिर कोई भी कर सकता है। और फिर पता ये चला कि बहुत ज़्यादा उसका मेंटेनेंस खर्च भी नहीं है, लेकिन हाँ एक बार सेटअप का खर्च ज़रूर होता है। तो भाई अजमेर आने के बाद मई 2020 में आओ देखा ना ताओ, हमने भी लगा दिया दाव। लेकिन जब पता चला भाव, तो फिर दिल और दिमाग पर पड़ा दबाव और बदल गए हाव भाव। कविता हो गई ये तो, लेकिन जैसा है हमारा स्वभाव, जितनी तेजी से हुआ इस काम से लगाओ, उतनी ही तेजी हमने कर लिया अलगाव। बताइए, बातों बातों में एक पीक कविता बन जाती है। खैर तो हुआ ये कि फिर खोजबीन शुरू की गई कि भाई आखिरकार अजमेर बड़ा शहर है, इसकी भी कहीं ना कहीं मशीन तो मिलती होगी। और यूसुफ सर ने इतनी ही मदद की थी, या वो उतनी ही कर पाने की स्थिति में थे कि भाई मैं तुम्हें मशीन दिखा देता हूँ, कामकाज दिखा देता हूँ, काम करने वाले बंदे से मिलवा देता हूँ। वहाँ के बारे में उन्होंने बताया कि हमने तो कई सारे हलवाई और दुकानें ऐसी पहले से, अब इतने सालों से कर रहे हैं तो चिन्हित कर रखी हैं, वो लेते हैं हमसे ही हैं, कहीं और से लेते नहीं हैं। उनको भी अच्छी तरह से पता है कि भाई एक बहुत ही पवित्र काम के लिए इस धन का उपयोग किया जाएगा, तो लोग खुशी खुशी हमसे यहाँ पर ले जाते हैं। उन्होंने तो और 5-7 दूसरे प्रोजेक्ट भी लगा रखे हैं वहाँ पे, फर्नीचर का भी था और सिलाई का भी था और भी कई सारे थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा उपयोगी और सबसे ज़्यादा हमारी रेंज में जो था वो यही प्रोजेक्ट था, पत्तल और दोने का। तो भाई साहब, इस प्रोजेक्ट को अब अजमेर में कैसे लगाया जाए? अब देखिए, मेरे घर से मेरे स्कूल तक बीच में एक जगह इंडस्ट्रियल एरिया आता है, जहाँ पे तमाम फैक्ट्रीज़ हैं। तो एक दिन हमारा जो लड़का उस समय जॉब कर रहा था, दीपक मेरा स्टूडेंट, उसके साथ हम घूमते घूमते पूछते पूछते पहुँच गए इंडस्ट्रियल एरिया में। और इसका पता लगाते लगाते 3 महीने और निकल गए। मई में मैं अजमेर आया था, 8 सितंबर 2020 की बात है।
मैं पहुंच गया और जाकर के पता चला कि मशीन कितने की आती है। लगभग 1.5 लाख का खर्च उस समय हमें बताया गया, तो होश तो पहले ही उड़ गए। हम 35-40 हज़ार मान करके चल रहे थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में पता चला कागज़ लेना पड़ता है, रोल लेना पड़ता है कागज़ का। काम आसान है, एक साथ इतने पत्तल इतने दोने बन जाते हैं, अलग अलग उसके जो सांचे होते हैं उनका कमाल होता है। लेकिन फिर भी मन में एक शंका थी, एक डाउट था कि यार ये मशीन आवाज़ बहुत करती होगी। अब आप यहाँ पर कल्पना कीजिए, हमारे पास रिकॉर्डिंग क्लब के रूप में एक ऑफ़िस तो था, लेकिन वो ऑफ़िस कहाँ है, फर्स्ट फ्लोर पर है, ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है। जब इस मशीन को देखा तो इसकी पहली रिक्वायरमेंट ही ये थी कि ये ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए, बात वहीं पे ख़त्म हो गई। फिर भी हमने सोचा चलो सुन तो लें। जब मशीन चला करके देखी तो भाई साहब इतनी तेज़ उसकी आवाज़ कि उस कमरे में तो क्या, उस पूरी बिल्डिंग में आप रिकॉर्डिंग जैसा काम नहीं कर सकते। तो दिमाग वहाँ भी ख़राब हो गया। फिर उसके बाद कुछ समय तक हमने कोशिश भी की कि कोई ऐसी जगह मिले जो ऑफ़िस जैसी ही सुरक्षित हो और उपयोगी हो और ग्राउंड फ्लोर पर हो, लेकिन वो उसमें सफलता मिली नहीं। तो जब वो मशीन की आवाज़ सुनी तो उसको रिकॉर्ड भी किया मैंने, किसी दिन सुनाऊंगा मैं यहाँ पर भी, वो आज भी मेरे पास रिकॉर्डिंग सुरक्षित है उस मशीन की आवाज़ की। तो कुल मिलाकर के खाली हाथ लौटना पड़ा। बाकी ये प्रोजेक्ट अगर चल जाता तो इसमें भी रिकॉर्डिंग क्लब को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलती ज़रूर, लेकिन नहीं चला। फिर बाद में धीरे धीरे समय समय पर और लोगों से भी बातचीत हुई, लेकिन कुल मिलाकर के कुछ सफलता हाथ नहीं लगी। हमने तो यहाँ तक प्रयास किया कि जिस फैक्ट्री में हम गए थे ना उनसे बात की कि हमने कहा यार पत्तल धोने और सारा काम आपके यहाँ होता रहे और इसका मैनेजमेंट हम लोग ले लें हमारे हाथ में। तो उन्होंने कहा नहीं, लेना है तो पूरा लीजिए, नहीं तो नहीं। हमने कहा ठीक है भाई। तो वो तो पूरी एक बड़ी सी फैक्ट्री थी जहाँ पे कई सारी मशीनें थीं और काफ़ी मतलब हज़ारों नहीं लाखों में काम होता था वहाँ पत्तलों का, प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। तो और उसके बाद तो फिर परिस्थितियाँ भी नहीं बनी दोस्तों कभी ऐसी और कभी सोचा भी नहीं। और फिर अब तो दूसरे दूसरे काम इतने हाथ में आ गए हैं कि इस सब के बारे में तो कुछ करने का हो पाना ही संभव नहीं है। लेकिन यूसुफ सर के यहाँ चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, सफलतापूर्वक चल रहा है, तो ये अच्छी बात है। खैर और भी जगह चलता होगा, मुझे मतलब मेरा कभी जाना हुआ नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है। तो इसमें मतलब प्रयास वही था दोस्तों हमेशा कि भाई कहीं से भी प्रयास हमेशा यही था ना कि कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकल जाए। इतनी भाग दौड़ की, बाद में एक दो बार और भेजा मैंने, दीपक को भी भेजा और लोगों को भी भेजा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मतलब तो 2-3 महीने तक कम से कम प्रयास करते रहे हम इस मामले में। सितंबर की ये बात है, दिसंबर तक भी हमने कोशिश नहीं छोड़ी, लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने कहा भाई तुम लोग पढ़ाई वाले लोग हो, पढ़ाई का ही काम करो, ये सब फालतू फालतू चीज़ों में मत पढ़ो। तो कभी कभी होता है जो कुछ ऊपर वाले ने सोचा होता उसके आगे हमारा जोर तो चलता नहीं है। लेकिन अच्छा अमाउंट का भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, एक बार को जुटाया जा सकता था, लेकिन ज़्यादा दिक्कत ये ग्राउंड फ्लोर और शोर ये वाली जो बात थी ना, इसका कोई हल नहीं था हमारे पास, किसी भी तरह का हल नहीं था। तो फिर करते क्या करते हैं। तो ये कई बातें ऐसी हैं जो हमारी टीम को भी नहीं पता। अच्छा सच सही मायने में तब इतनी टीम हमारी भी थी भी नहीं, टीम भी कैसे कैसे बनी है आप जानते ही हैं,
कब कब बनी, कैसे कैसे आगे बढ़ी, उन दिनों में मुझे याद है जून 2020 में सीमा पाठक मैम, जिनके आजकल मैं चर्चा करता रहता हूँ, जिनके नाम पर हमने सीमा छात्रावास शुरू किया हुआ है, ऑफिस में विजिट करने आए थे पहली बार और उन्हें बहुत अच्छा लगा था। हालांकि वैसे हमारे साथ इनडायरेक्टली तो वो जुड़े हुए थे, मैंने पहले भी बताया जैसे कवि सम्मेलन वगैरह में वो आए थे, अजमेर में एक बच्चा था पार्थ नाम का, पार्थ सांगी, उसको केंद्रीय विद्यालय में उन्होंने पूरा पढ़ाया और अपनी देख रेख में रखा, तो उन्होंने एक ऑडियो मैसेज भी रिकॉर्ड किया था। तो देखिए वो साथ आज भी बरकरार है और अब तो उन्होंने अपना घर ही दे दिया हमें छात्रावास खोलने के लिए। खैर लड़कियों के लिए तो हम खोल ही रहे हैं, अब लड़कों के लिए भी खोलने जा रहे हैं। आप लोगों को बहुत जल्दी इससे संबंधित जानकारियाँ मिलती रहेंगी, बस आप जुड़े रहिए। रिकॉर्डिंग क्लब का ऐप अभी भी 99 रुपीज़ में ही है, बताइए अपने दोस्तों को, जब प्राइस चेंज होगा तब भी हम बताएंगे, जब तक नहीं बताएं तब तक मान करके चलिए 99 में ही है। और आप लोग अपनी बुक्स वगैरह भेज सकते हैं रिकॉर्ड कराने के लिए। तो अब चर्चा करेंगे हमराही कार्यक्रम पर। इस बीच में ये बात भी बता देता हूँ छोटी सी कि सितंबर 2019 में हमने ऑफिस शुरू किया था, तब तक हमारी एक टीम भी छोटी सी थी, कई लोगों से बातचीत भी होती थी और कई लोगों से बात करके भी हमने उस ऑफिस को शुरू किया था। तो अभी हमने अंध विद्यालय में एक कार्यक्रम किया आरसी उत्सव का, आप सब जानते हैं, वहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं अर्पण चौधरी जी। तो अर्पण चौधरी जी पहली बार जून 2020 में पहली बार रिकॉर्डिंग क्लब में उनका आना हुआ था ऑफिस के अंदर, और श्यामलाल जी वहाँ पर रहते थे, हमारे एक साथी हैं सीनियर साथी, कभी उनके भी बारे में बताएंगे। तो श्यामलाल जी के यहाँ उनका आना हुआ था और इस बहाने से ऑफिस में उनका आना हुआ था, तो ऑफिस शुरू होने के लगभग 9-10 महीने के बाद। तो ये है, और अब हमराही का पहला एपिसोड कब रिकॉर्ड हुआ, कैसे रिकॉर्ड हुआ, किसके साथ रिकॉर्ड हुआ, किस परिस्थिति में रिकॉर्ड हुआ, तो अब 310 से ये कहानियाँ चलेंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।